नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके? और आप सबको गुड मॉर्निंग। बिहार एपीओ से रिलेटेड अपडेट दे रहा हूँ, तो सिलेबस ही बता दूंगा और सोर्स ऑथेंटिक है। जनवरी में मीटिंग हुई थी, कितनी वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी नंबर काफी अच्छा है, बम्पर वैकेंसी आने वाली है बिहार एपीओ में। और इसमें अच्छी बात यह है कि क्वालिफिकेशन में आपको बता देता हूँ, इसमें लॉ की डिग्री ही मांगते हैं जो लास्ट टाइम वाला था, और 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, कोई सी भी लॉ की डिग्री हो आपकी, वही मांगते हैं इसमें, और रजिस्ट्रेशन नहीं मांगते। अगर करेक्ट कर देना अगर कोई बिहार से है एपीओ का पेपर दिया हो। वैसे जितना मुझे पता है वहां केवल लॉ की डिग्री मांगते हैं, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगते। और करेक्ट जरूर कर देना जो बिहार से बच्चा देख रहा हो। और एपीओ के बारे में मैं बता रहा हूँ, बिहार का मैंने कभी दिया नहीं एपीओ का, बट एपीओ वैकेंसी बहुत अच्छी होती है, इसके बारे में एंड में बात करेंगे, पहले इसकी इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। और बिहार जुडिशियल रिलेटेड भी एक चीज बतानी थी आपको, ये फोटो देखो, ये कैलेंडर है, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का कैलेंडर है, इसमें मेंशन है बिहार जुडिशरी के बारे में, डेट बता रही है कब मेंस होगा, ये सारी चीज डिटेल है, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ये सारी चीज, तो ये भी बता देता हूँ मैं आपको। और इसमें एपीओ का मेंशन नहीं है, तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन। इसमें आप फोर्थ पॉइंट पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है देखो 32 जुडिशियल सर्विस, 150 वैकेंसी है, तो इसकी डेट बता रही है, प्री तो हो चुका है वैसे 4/6/2023 को, और रिजल्ट आ चुका है इसका 26/9/2023 को, मेंस होगा 25/29/2023 को जो हो चुका है, इसका रिजल्ट आएगा मई 2024 में, इंटरव्यू होगा 15 से 29 जून 2024, और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 30/6/2024 को। तो ये डेट थी, इसमें मेंशन नहीं है कहीं एपीओ कहीं मेंशन नहीं है, तो कैलेंडर है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। वहां बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है पेपर, जुडिशरी का या राजस्थान में हाईकोर्ट कराता है, राजस्थान में ऐसे कैलेंडर नहीं आता, राजस्थान में वैकेंसी आएगी फिर प्री की डेट आएगी, क्या पता इस बार हो जाए। तो आरजेएस के बारे में मैंने आपको बता रखा है क्यों वैकेंसी नहीं आ रही, रूल चेंज हो रहा है उसके कारण वैकेंसी डिले चल रही है, नहीं तो वैकेंसी कब की आ जाती है राजस्थान जुडिशरी की। और ये 25/1/2024 का था नोटिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, बिहार का सिलेबस बताया था, प्री मेंस होता है जिससे आप पढ़ाई करना चालू कर दो, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और लोकसभा के इलेक्शन के बाद ही पेपर होने के चांसेस है, कैलेंडर अपडेट होते रहता है, तो अभी पेपर नहीं होगा तो आप पढ़ सकते हो, अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी आपको, वैकेंसी का नंबर बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता देता हूँ, जनवरी में मीटिंग हुई है, जनवरी में मीटिंग हुई है, उसमें सुनने में आ रहा है 400+ वैकेंसियां बोली गई है, और जो बहुत बड़े अधिकारी है उन्होंने ये बोला है कि 400+ वैकेंसी आएंगी, पहले 300 करीब सुनने में आ रही थी, बट अब सुनने में आ रहा है 400+ वैकेंसी आएंगी बिहार जुडिशरी में, और पोस्टें भी खाली है, तो 400 नंबर बहुत बड़ा होता है, यूज होता है, तो इस चीज को ध्यान रखो, 400+ अगर वैकेंसी आ रही है तो मैं आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिससे आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आपका कोई लॉस ना हो और आपको बेनिफिट ही मिले। तो अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ एपीओ का, बिहार जुडिशरी की, बिहार का मतलब सॉरी। तो अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं, सबसे पहले देखो प्री का सिलेबस देखो क्या है, जनरल स्टडी के 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, 2 घंटे का पेपर होगा, लॉ का होगा 100 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के, 2 घंटे के, ये लास्ट टाइम वाला बता रहा हूँ, अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नया नोटिफिकेशन आता है उसमें कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा, चैनल से बने रहो, और वैकेंसी जैसे आएगी वो भी बता दूंगा, बस चैनल से बने रहो, बेल आइकन दबा दो जिससे आपको फायदा होगा, चैनल के बारे में एंड में बताऊंगा कि चैनल पे क्या चलता है, अगर बच्चे कोई पहली बार आया तो उनको बता दूंगा। अब बात करते हैं मेंस के बारे में, जनरल स्टडी के 100 क्वेश्चन आएंगे 3 घंटे के, हिंदी लैंग्वेज का 100 क्वेश्चन 3 घंटे के, इंग्लिश लैंग्वेज के 100 क्वेश्चन 3 घंटे के, आईपीसी के 150 क्वेश्चन 3 घंटे के, इंडियन एविडेंस एक्ट के 150 क्वेश्चन 3 घंटे के, सीआरपीसी के 150 क्वेश्चन 3 घंटे के, अदर लॉ के आएंगे 150 क्वेश्चन 3 घंटे के। अब इसका सिलेबस जान लेते हैं, प्री में जनरल स्टडी में क्या आएगा, ज्योग्राफी, जनरल साइंस ऑन एवरीडे लाइफ ऑफ इंडियन, हिस्ट्री कल्चर, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये आएगा जनरल, मतलब जनरल स्टडी में। प्री में लॉ के सिलेबस में सीआरपीसी आएगा, आईपीसी आएगा, एविडेंस एक्ट आएगा, क्वेश्चन रिलेटेड टू फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब बात आती है कि नए लॉ आएंगे, पुराने पुराने ही पढ़ने हैं, और देखो अभी टाइम लगेगा उन लॉ को इम्प्लीमेंट होने में, तो आप पुराने लॉ पे फोकस करो, काफी यूट्यूबर्स बड़े बड़े कोचिंग वाले वो नए लॉ पढ़ाने लग गए थे, तो कंफ्यूज मत हो, पुराने लॉ पे ही फोकस करो, अभी जब कुछ होगा मैं बता दूंगा, पहले ही बता दूंगा आपको एडवांस में, बस चैनल से बने रहो, पुराने लॉ पढ़ना है आपको, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कंफ्यूज हो गए अगर वो भी पढ़ोगे, उसमें ज्यादा लैंग्वेज चेंज, मतलब सब कुछ सेम है, बस सेक्शन ऊपर नीचे कर दिए, कुछ चीजें नहीं ऐड करिए, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये सिलेबस बता दिया मैंने आपको, मेंस की बात कर लेते हैं, मेंस में क्या है,
जनरल स्टडी में क्या आएगा, करंट इवेंट आएगा, नेशनल जनरल साइंस आएगी, ज्योग्राफी आएगी इंडिया की, बिहार की जनरल नॉलेज, करंट अफेयर आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी आएगी, और इंडियन कल्चर, मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ बिहार, इंपॉर्टेंट रिवर्स, ये भी आएगा, इंडियन स्टेट सिस्टम भी आएगा, इकोनॉमिक सिस्टम भी आएगा, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भी आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड बिहार कंट्रीब्यूशन टू इट, मेजर चेंज इन बिहार इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जनरल स्टडी में आएंगे मेंस में। सिलेबस लेंथी है बिहार का, जो बिहार के बच्चे उनको पता होगा वैसे सिलेबस, अगर आपने कभी, जो फर्स्ट जनरेशन है, जो फर्स्ट बार दे रहे हैं, मतलब फ्रेशर है बिल्कुल, उनको मैं बता ही रहा हूँ। हिंदी लैंग्वेज में ग्रामर आएगी, ये इंग्लिश में भी ग्रामर ऐसे ही सब चीज लिखा हुआ है, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, अदर लॉज बता देता हूँ, आर्म्स एक्ट, डाउरी प्रोविजन एक्ट आएगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आएगा, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट आएगा 1908 वाला, और ये स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, वो चिल्ड्रन ऑफेंस वाला एक्ट है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफेंस एक्ट वाला होगा ये 2012। तो ये सिलेबस है इसका जो मैंने आपको बता दिया, और बिहार की वैकेंसी 400 प्लस आने वाली है, और कभी भी आपको देखने को मिल सकता है लोकसभा के इलेक्शन से पहले वैकेंसियां भी आएगी, गवर्नमेंट काफी वैकेंसियां निकालेंगी, हर स्टेट में वैकेंसी आएंगी, जरूर आएंगी, और पेपर इलेक्शन के बाद ही होंगे, और टाइम भी लग सकता है, ऐसा नहीं है। राजस्थान में एपीओ का पैटर्न चेंज हो गया, आपको पता दिया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा मेरा जाके, राजस्थान में पहले 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे, वो हटा दिया, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नर ने रूल चेंज कर दिए। आप बोलोगे सर राजस्थान की वैकेंसी कब आएगी एपीओ की, तो मैं आपको ही बता देता हूँ, ये रूल्स आरपीएससी के पास गए होंगे, अगर आरपीएससी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता तो आपको जल्दी राजस्थान एपीओ की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो चैनल से बने रहो, आपको अपडेट दे दूंगा जैसे कुछ होगा, आरजेएस का भी अपडेट दे दूंगा जैसे कुछ होगा, अभी रूल्स के बारे में चल रहा है, मीटिंग होने वाली है, फुल जज बेंच मीटिंग होगी, और कुछ बच्चे कह रहे थे मैंने आरजेएस का डाला था सर हमें क्या लेने देना फुल जज बेंच मीटिंग से, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, फुल जज बेंच में ही रूल्स चेंज होंगे और वैकेंसी भी वही डिसाइड होगी, बिल्कुल लेना देना होता है, बट कुछ बच्चे मैच्योर नहीं होते इसलिए ऐसे बातें करते हैं। जो भी चीज होती है ना मैं आपके इम्पोर्टेंट, मतलब जो इम्पोर्टेंट होती है वही चीज बताता हूँ, कितनी सारी वैकेंसी आ रही है आजकल हाईकोर्टों में, असिस्टेंट पीपी, पर्सनल असिस्टेंट, वो मैंने आपको बताई, लॉ की वैकेंसी नहीं है वो, इसलिए मैं बताता भी नहीं हूँ, मेरे चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी होगी ना जहाँ लॉ डिग्री मांग रहे होंगे, अभी तक मैंने वही वैकेंसी बताई है, अगर फ्यूचर में अगर लगेगा बच्चे कहेंगे सर वो वैकेंसी है बताओ तो मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है कि, बट अभी तक मैं लॉ की वैकेंसी बताता हूँ केवल, तो लॉ की चीज जो बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट ही है आप लोगों के लिए, तो इस चीज का ध्यान रखना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल पे लॉ की वैकेंसी बताता हूँ, सिविल जज की वैकेंसी बताता हूँ, चाहे एक्सपीरियंस वाली हो चाहे फ्रेशर वाली हो, और जो सीनियर एडवोकेट है उनके लिए पैनल एडवोकेट की वैकेंसी आती है उनके लिए भी बताता हूँ मैं, तो सारी चीजें लॉ से रिलेटेड आती है। बिहार में सिविल जज को क्या फैसिलिटी सैलरी मिलती है उस पर भी वीडियो बना रखा है, बिहार में सिविल जज से मैंने बात करी थी, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ फिर भी आप लोगों के लिए मैंने बिहार में बात करी, जानकारी निकलवाई, तब जाके बात हुई, तो क्या फैसिलिटी सैलरी मिलती है बिहार, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर सकते हो आप। ऐसे 13 से 14 स्टेट बता रखे हैं मैंने, सैलरी ऑल ओवर इंडिया सेम हो गई है, अब अलाउंसेस भी सेम हो चुके हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो आप जाके। फिर भी कोई डाउट हो मन में, क्वेश्चन आ रहा हो, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो कर लेना, मुझे मैसेज कर देना, हाय हेलो मत लिखना, डायरेक्ट अपना क्वेश्चन लिखा करो, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा, जितनी मुझे नॉलेज है वो मैं आपको आंसर दे दूंगा। मेरे से कई बच्चे सिलेबस मांगते हैं जो मैं वैकेंसी बता देता हूँ, देखो तो नोटिफिकेशन में कुछ होता है तो मैं आपको साथ शेयर कर ही देता हूँ सिलेबस, अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो मैं सिलेबस नहीं बताता क्योंकि उसमें है ही नहीं और मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास मैं सिलेबस ढूंढू, मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ, तो आप ट्राई करो कि खुद ही ढूंढ लिया करो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ना मिले तो हेल्पलाइन नंबर होता है हर डिपार्टमेंट के, उनसे पूछ लो। तो मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं सिलेबस ढूंढू, फिर दिक्कत होती है, तो आप ट्राई करा करो, मैंने वैकेंसी बता दी, सिलेबस आप लोग देख सकते हो, कुछ होगा उसमें वैकेंसी के बारे में, मतलब सिलेबस के बारे में, तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।